हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने क्लास 10 का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ये बहुत जैसे कि आप देखें, यहाँ पर दो नंबर हैं ए और बी, उनके बीच में आपस में ताल्लुक दिखाया गया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और आर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से ग्रेटर देन हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन बी से हमेशा लेस देन होगी। जैसा कि स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर विच सेटिस्फाई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा मुश्किल से लग रहा हो, कुछ ऐसा हर्ज नहीं है, बहुत आसान है। आप पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरह पढ़ते हुए आए हैं, वही चीज़ है, उसका सिर्फ नाम बदल दिया गया है यहाँ पर। क्या जैसे कि अगर आपके सामने आप देखें कि 7 चॉकलेट्स हैं, इनको आपको दो बॉक्सेस के अंदर भरना है, तो देखें पहले 3 चॉकलेट इस बॉक्स में आ जाएंगी, फिर दूसरी 3 चॉकलेट जो हैं वो इस बॉक्स में आ जाएंगी, तो एक चॉकलेट आपकी ये बाकी रह जाएगी। तो इसमें आपने क्या करा, 7 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, रिमाइंडर बचा 1। तो ये जो आपने डिवीज़न करा है, ये तो आप बहुत सालों से करते आए हैं, बचपन से करते आए हैं, वही चीज़ यहाँ पर है। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि इसको हम कहते हैं डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। इसको कहते हैं डिविडेंड, ये डिवाइज़र और ये कोशेंट और ये आपका रिमाइंडर। तो आप पहले ही पढ़ के आए हो के डिविडेंड जो है बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि यहां पर ये जो 7 है वो बराबर होगा डिवाइजर 2 इनटू कोशेंट है यहां पर 3 प्लस रिमाइंडर जो बचा आपका यहाँ पर 1। तो 7 इक्वल टू 2 × 3 + 1 होता है। यूक्लिड ने इसी डिवीज़न को एक नया नाम दे दिया, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसमें 7 को ए कहा गया है, इस 2 को बी कहा गया है, 3 को क्यू कहा गया है और 1 को रिमाइंडर कहा गया है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा बन गया है। अब आप ये सोचिए, r की वैल्यू 0 हो सकती है, कहाँ पर 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, b से छोटी होगी, तो इस बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पर डिवाइज़र जो है 2 है, यानी के b हमारा 2 है, तो रिमाइंडर जो है वो इस b से छोटा होगा, यानी 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा अगर कोई नंबर देखें आप, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो रिमाइंडर आपका यहाँ 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इस सिचुएशन में रिमाइंडर हमारा 1 आया है, r की वैल्यू 1 इस 2 से छोटी आई है। अब इसी तरह से और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 7 की बजाय आप यहाँ पर 8 ले लिए और 8 को 2 से डिवाइड करिए, 2 4 8, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस सिचुएशन में 8 बराबर होगा 2 × 4 + 0। तो यहाँ पर ये a है, ये b है, ये q है और ये r है। तो आप देखिए, यहाँ पर r 0 आया है और यहाँ पर r आपका 1 आया है। दोनों हालतों में b जो है 2 है, तो r इस 2 से
कम आया है, जीरो आ सकता है या वन आ सकता है। एक और सिचुएशन लेते हैं, इसमें हम सेवन लिया है, अब अगली सिचुएशन यहाँ पर कोई नंबर ले लीजिए नाइन, नाइन को आप फोर से डिवाइड करिए तो फोर टू द एट, रिमाइंडर बचा वन। इसी तरह से एक और नंबर लेते हैं टेन, इसको भी फोर से डिवाइड कर दें, फोर टू द एट, रिमाइंडर बचा टू। फिर एक और नंबर लेते हैं इलेवन, फोर से डिवाइड करिए, फोर टू द एट, रिमाइंडर बचा थ्री। देखें आप, रिमाइंडर वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, लेकिन फोर नहीं हो सकता किसी हाल में, क्योंकि फोर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर तभी रिमाइंडर जो वो रिमाइंडर ही कहलाता है जो इससे छोटा है। लेकिन अगर इससे बड़ा आएगा तो एक बार और टेबल पढ़ दी जाएगी। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 12 करा मैंने तो 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आया, ज़ीरो। अगर इससे पहले क्या हम एक को लेते हैं, जैसे कि 8 लिया, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 2 जा 8, रिमाइंडर ज़ीरो। तो आप ये देखिए, बी की वैल्यू अगर 4 है तो रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इससे बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म अगर हम बनाना चाहें तो a यहाँ पर 8 है, यहाँ पर b यहाँ पर जो है 4 है, q यहाँ पर 2 है, रिमाइंडर 0। ये पहली सिचुएशन आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट में देखेंगे आप, तो b यहाँ पर भी 4 रहेगा, क्वेश्चन भी 2 आएगा, लेकिन रिमाइंडर 1 हो जाएगा, जिससे ये 8 की जगह 9 आ जाएगा, यानी कि 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पर 10 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 2, और यहाँ पर 11 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3, और यहाँ पर 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि रिमाइंडर जो है हमारा वो b से छोटा होता है, b से एक नंबर कम होगा, एक नंबर लेस देन होगा, और ज़ीरो और ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। सिर्फ यही इक्लूड डिवीज़न लेमा है, वो इसकी ये जो है मेन कंडीशन है कि कोई भी दो इंटीजर a और b आपस में इस तरह रिलेटेड होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वही सब कुछ है। और रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, ज़ीरो होगा या b से छोटा, इसके बीच का कोई सा भी इंटीजर रिमाइंडर हो सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम असल में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, मतलब बहुत अच्छे तरीके के जो स्टेप्स होंगे उनकी एक सीरीज होती है, जो विच गिव्स अ प्रोसीजर, जो एक प्रोसीजर बयान करती है फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर बयान करती है। आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। आप देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आपको कुछ सौदा लेके आना है, तो आप घर से निकलने से पहले एक लिस्ट तैयार करते हैं कि एक आइटम जो है 1 किलोमीटर के फासले पे आपको मिल जाएगा, दूसरा आइटम जो है 2 किलोमीटर के फासले में मिलेगा, तीसरा आइटम जो है 3 किलोमीटर के फासले में मिलेगा। तो आप लाइन से ख़रीदते हुए जाएंगे या बिल्कुल लास्ट वाला आइटम पहले ख़रीदेंगे और फिर वहाँ से ख़रीदते हुए आप अपने घर की तरफ आएंगे। तो ये जो आपने प्लानिंग करी है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम क्या, ख़रीदारी, तो ख़रीदारी को आसानी से करने की जो आपने प्लानिंग करी है, इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। आप ऐसा तो नहीं करेंगे पहले दूर का सामान लें फिर घर पे आएँ, फिर दूसरी जगह का सामान लें फिर घर पे आएँ,
फिर तीसरी जगह का सामान लें, फिर घर पे आएँ। अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम की बर्बादी होगी और आप थक भी जाओगे। तो एक तरीका बनाएगा आपने कि ये शॉपिंग करनी है, यहाँ यहाँ से शॉपिंग करनी है, पहले हमें यहाँ जाना है, फिर उससे आगे जाना है, फिर उससे आगे जाना है, फिर उससे आगे जाना है, और वहाँ सब चीज़ खरीदते हुए घर पर वापस आना। तो एक ही बार के अंदर आप सब चीज़ ले आओगे। तो ये जो आपके दिमाग में प्लानिंग आई किसी काम को करने की, इसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले किसी प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखा जाता है, यानी कि स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो वो एल्गोरिथम लिख के फिर उसके ऊपर प्रोग्राम बनाया जाता है। तो ये एल्गोरिथम वर्ड की ईजाद या एल्गोरिथम की जो ईजाद करी है वो एक 19 पर्शियन मैथमेटिक्स थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्मी, उन्होंने करी है। तो एल्गोरिथम क्लियर हो गया होगा। अब आप फिर इसके बाद में इनकी एक बुक है जिसका नाम है हिसाब अलजब्र व अल मुकाबला। हिसाब अलजब्र व अल मुकाबला, इस बुक से एक वर्ड है अलजब्रा, जो कि आप पढ़ते हैं मैथ के अंदर अलजब्रा वगैरह, पॉलीनोमियल नंबर सिस्टम सब इसमें अलजब्रा के अंदर आता है। तो वो अलजब्रा वर्ड जो है इसी बुक से लिया गया है। तो आपके 11th इंटरेस्ट में ये सवाल आ सकता है कि हिसाब अलजब्र व अल मुकाबला बुक का ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर हैं अल ख्वारिज्मी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लेमा। लेमा क्या होता है? अभी आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो वहाँ भी लेमा लग रहा था। लेमा होता क्या है? लेमा असल में एक प्रूविन स्टेटमेंट होता है जिससे हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको कोई चीज़ तोल कर देनी है, तो आप एक किलो का जो बाट होता है, वज़न होता है, वो एक उसके पल्ले में रखते हैं और दूसरे पल्ले में जो भी चीज़ तोलनी है वो रखते हैं। तो जैसे ही सुई बीच में आती है हम मान लेते हैं। तो ये हमने एक पहले प्रूफ कर लिया है, ये चीज़ जो है एक किलो की है, ये बाट जो है एक किलो का है, इसके बराबर हम कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो एक किलो मानी जाएगी। कुछ लोग बाट नहीं होता तो कहीं से ईंट वगैरह कुछ सामान वगैरह तोल के ले आते हैं एक किलो, वो तराजू के इस पल्ले में रखा जाता है और दूसरे पल्ले के अंदर दूसरी चीज़ रखी जाती है जिसको हम तोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सुई बीच में आती है हम मान लेते हैं ये एक किलो हो गई। तो इसी तरह से जो प्रूविन स्टेटमेंट होता है, जो पहले से सॉल्व हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, वो होता है। अब उसकी मदद से हम दूसरे स्टेटमेंट उसको लगाकर प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ए अगर बी के बराबर है, अगर दोनों में से हम वन को माइनस कर दें तब भी बराबर रहेगा। जैसे कि आप देखें, ए बराबर अगर बी आपने किसी चीज़ को मान लिया है, तो दोनों में से अगर बराबर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी ये इक्वल ही रहेगा। यहाँ पर हमने वन सब्ट्रैक्ट करा तो यहीं वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी ये इक्वल रहेगा। तो अगर ये प्रूविन स्टेटमेंट है तो इसके ज़रिए हम इसको भी प्रूफ मान लेते हैं। तो लेमा, इट इज़ अ प्रूविन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एनदर स्टेटमेंट।